हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बनाएंगे बूंदी। बूंदी हम रायते के लिए यूज़ करते हैं, नमकीन बनाने के लिए यूज़ करते हैं, तो आज हम बिल्कुल बाज़ार जैसी बूंदी घर पर बनाएंगे बहुत ही सरल विधि से। इसको बनाना बिल्कुल आसान है, बहुत ही जल्दी से बन जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। मैंने यहाँ पर एक बाउल लिया है। यहाँ पर हम एक कटोरी बेसन लेंगे। आप अपने हिसाब से यहाँ पर बेसन ले सकते हैं, जितनी आपको बूंदी बनानी हो। तो अब हम इसमें डालेंगे एक चम्मच नमक। आप चाहे तो यहाँ पर बिना नमक और मिर्च के भी बूंदी बना सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर हल्का नमक और मिर्च डाल रही हूँ। आधा चम्मच मैंने लाल मिर्ची पाउडर डाला है और थोड़ी सी हम इसमें कस्तूरी मेथी डालेंगे और थोड़ा सा इसमें हम डालेंगे बेकिंग सोडा। सभी को डाल करके अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसका एक घोल तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए, इस तरह से हमें थोड़ा थोड़ा डाल करके इसको 10-15 मिनट तक हमें इस तरह से अच्छे से फेंट लेना है, ताकि इसके अंदर की सारी गुठलियाँ अच्छे से निकल जाएं। तो ये देखिए, अब मेरे को इसमें थोड़ा पानी कम लग रहा है, तो थोड़ा पानी और डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स करते जाएंगे, ताकि हमारा बेसन अच्छे से फूल जाए। तो आप देख सकते हैं, इस तरह से हमारा बैटर गिरना चाहिए। तो अब हम इसको फ्राई कर लेंगे। यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ली है, इसमें मैंने ऑयल को अच्छे से गर्म कर लिया है। अब हमने यहाँ पर एक छलनी ले लेनी है, ये देखिए इस तरह की। अब हम इस पर अपना बैटर डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके हमें डालना है और हमें कढ़ाई के ऊपर थोड़ा थोड़ा सा ऐसे टैप करते जाना है। ये देखिए, इस तरह से हमें टैप करना है और हमारी बूंदियाँ अच्छे से इस तरह से बन जाएंगी। देखिए, बिल्कुल गोल गोल शेप की बूंदी उतर रही है, बहुत ही आसानी से बन जाती है। तो इसी तरह से हम बूंदियों को उतार लेंगे। तो चलिए मैं आपको याद दिला दूँ, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले, इससे मेरी जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँगी उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगी। अगर आप मुझे फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर आप मुझे फॉलो करें। तो ये देखिए, इस तरह से हमारी बूंदी कितनी अच्छे से बन गई है। तो अब हम इसको एक बर्तन में निकाल लेंगे। सभी को ये बहुत ही क्रिस्पी बनती है। तो सेम इसी तरह से हम बाकी की सभी बूंदियों को ऐसे ही उतार लेंगे। तो ये देखिए, हमारी बूंदियाँ बनकर बिल्कुल तैयार है, क्रिस्पी बिल्कुल। जब आप इसे एक बार बना लेंगे तो कभी बाज़ार से लाएंगे ही नहीं, हमेशा इसी तरह से बनाएंगे। तो ये देखिए, हमारी बूंदियाँ बिल्कुल बनकर तैयार है। मैंने इसको, ये देखिए, बिल्कुल क्रिस्पी बनी है। आप इसको बनाकर स्टोर भी कर सकते हैं, डब्बे में भर कर रख सकते हैं। जब भी आपको मन करे रायता बनाने का, बूंदी की सब्ज़ी बनाने का, तब आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।